हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महावितरण भर्ती 2019, 2020, 2021। दोस्तों, आपकी विदुक सहायक रिजल्ट और मेरिट लिस्ट को कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहे हैं कि हमारी क्या विदुक सहायक जो लिस्ट है वो कब आएगी या रिजल्ट उसकी कब आएगी। तो दोस्तों, रिजल्ट को लेकर अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है जो मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको दो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपकी रिजल्ट से जुड़ी हुई, जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कैंडिडेट बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि जो है एमएससी डीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर हमको विदुक सहायक की रिजल्ट देखने को कब मिल सकती है। तो इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जो मैं आपको लिए पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि जैसे कि प्रकाश जी ने कहा था कि 15 दिनों के अंदर जो है कि एमएससी डीसीएल कर्मचारी अगर नहीं रिजल्ट जारी करते हैं तो उनके लिए ये फिर से एक जो है आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि एमएससी डीसीएल कर्मचारी ने कहा था, उनसे वादा किया था कि 15 दिनों के अंदर जो है आपकी विदुक सहायक की रिजल्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। पर लगभग दोस्तों अब 5 या 6 दिन बचे हैं पर अभी तक इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं है आपकी रिजल्ट से जुड़ी हुई। तो इसी को लेकर दोस्तों एक मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग और एक जो है नोटिस दिखाने वाला हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो नोटिस जानने के लिए, कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि महावितरण की हर छोटी या बड़ी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप तक शेयर किया जाता है, चाहे वो ऑफिशियल हो चाहे वो अनऑफिशियल हो। लाइक जरूर करिएगा दोस्तों और शेयर जरूर करिएगा, जो जो विदुक सहायक रिजल्ट और मेरिट लिस्ट को लेकर कैंडिडेट इंटरेस्टेड है उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जिस ग्रुप पर आपको शेयर करना है जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं और कॉल रिकॉर्डिंग में कर्मचारी और कैंडिडेट के बीच में क्या बात हुआ है रिजल्ट को लेकर मैं आपको वो सुनाता हूँ। तो सबसे पहले वो सुनिए। ते म्हणत आहेत की आम्हाला ऊर्जा मंत्री काही लिखित मध्ये दिलेलं नाही सध्या मध्ये। हा सर, मग तो डिसिजन इथेही घेणार नाही आहे, तो डिसिजन ती कंपनीच घेणार आहे, कारण 7 तारखेला यांची मीटिंग झाली ना मॅडम, ऊर्जा मंत्री आणि सगळे जे डिपार्टमेंटल अधिकारी आहेत त्यांची सगळ्यांची मीटिंग झाली आहे की जे आपल्या मराठा आरक्षणचे हे जे डिसिजन आहे ना ते कंपनीच्या लेवललाच आहे, इथे मंत्रालय मधून त्याच्यावर काही डिसिजन होणार नाहीये सर। 7 तारखेला मीटिंग झाली, त्याच्यामध्ये सांगितलंय की सगळ्यांना म्हणजे मराठा आरक्षणमुळे जे भरती थांबली होती स्थगिती करण्यात आली होती, हा तर त्याच्यामुळे ते मराठावाल्यांना ओपन मध्ये आणि ईडब्ल्यूएस मध्ये घेणार आहेत म्हणून निर्णय झालेला आहे, मग त्याच्यावर काय तेच मी तुम्हाला सांगते ना, हे डिसिजन घेण्याची पॉवर फक्त कंपनीची आहे, कंपनींना सांगितलेलं आहे, म्हणजे कंपनीवाले मुद्दा हे अजून भरती रगडवून राहिले, त्यांचा लुकआउट आहे। आता किती जणांना आम्ही उत्तरं देणार दिवसभरात सर, फक्त बनवाबनवी सुरू आहे, फक्त विद्यार्थ्यांच्या याच्या भविष्याची खेळणं सुरू आहे सध्या,